हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हो सारे दोस्तों मेरे? तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बरसात का दिन है तो आप देख सकते हैं कैसे बादल छाया हुआ है और ये बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो बरसात सुबह सुबह होना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिफ़्रेश लगता है। तो सुबह सुबह उठ के मैं थोड़ा सा बाहर का क्लिप ले ली, फिर जाऊंगी किचन में कुछ काम करने। और आज ना मैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर मास्क आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो को ना फास्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें और बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर मास्क है। तो चलिए किचन में स्टार्ट कर देते हैं आज का कुकिंग। क्या बना रही हूँ चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब?
सुबह सुबह ना मैं अपना लंच जो है, जो बड़ा काम होता है ना लंच बनाना, वो ख़त्म हो चुका है। अभी घर का काम शुरू होगा। शुरू कैसे होगा, मैं ना चाय बनाऊंगी। बिना चाय का फिर होगा नहीं मेरा शुरू। मतलब हस्बैंड को भेज दी टिफ़िन देख के, ठीक है। आज फिश बनाई थी और दही बैंगन, तो ब्रेकफास्ट बच्चों लोग के लिए कुछ देखना पड़ेगा। और आज ना मैं सोच रही हूँ हेयर मास्क लगाऊंगी और उसका सब सामान ला के रेडी करके रखी थी, लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो कहीं सर्दी ना पकड़ ले, लेकिन लगाना पड़ेगा नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर न्यू देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी ब्यूटी टिप्स के रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। तो चलिए चाय बनाते हैं। पूरा अदरक कूट के, इलायची डाल के बनाएंगे चाय, एकदम ज़बरदस्त चाय, ताकि बॉडी में ताजगी आ जाए काम करने के लिए। बारिश होता है ना, जिस दिन बारिश होता है ना उस दिन आलस ऐसे जकड़ के ले लेता है कि कुछ काम करने का मन नहीं होता है। बच्चे सोए हैं कंबल ओढ़ के, और मुझे भी लग रहा है कि मैं भी जाके उनके पास सो जाऊं, लेकिन नहीं, घर का काम करना है, नहीं सोना है, है ना। तो चलिए चाय बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं बैठ गई हूँ चाय के साथ, 5 मिनट लगेंगे। और बाहर ना इतना मज़ेदार आज मौसम हुआ ना, क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा घर का नीट एंड क्लीन करूँगी, और आयरन देना है, बहुत सारा कपड़ा है, और एक काम भी निकल गया है, मतलब कपड़ा ढूंढते ढूंढते पूरा बाहर आ गया है, उसको समेटना है अच्छे से, उसको सेटअप करना है। तो चलिए चाय पीऊंगी, फिर फटाफट काम शुरू होगा दिन भर का, फिर चलेगा गाड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हेयर मास्क के लिए ना गुड़हल की फूल और पत्ते ले लेंगे। इसको हम इंग्लिश में हिबिस्कस भी बोलते हैं, और उड़िया में ना मंदार फूल और मंदार पत्र वो भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल दो, बस वो ले लेंगे। ये हेयर जो स्मूथ सिल्की शाइनी बनाने के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको हम पेस्ट बना लिए, अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिए, और साथ में 1 से 2 चम्मच ले लेंगे एलोवेरा जेल, और 1 से 2 स्पून हम नारियल का तेल ले लेंगे। फिर उसका एक मिक्स कर लेंगे, फिर बालों में रूट से टिप तक अप्लाई करेंगे। फिर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे उसको। देन उसको एक माइल्ड शैम्पू से धो लेंगे। कुछ भी केमिकल शैम्पू यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जितना हम लाइट वेट का शैम्पू यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और ये देखिए, मैं बालों को खोल ली हूँ, और मेरा बाल ना अच्छे से मैं धो लिया था पहले दिन ही। और मास्क मैं जब भी लगाती हूँ ऐसे एकदम साफ बालों में धोती हूँ। जैसे एक दिन पहले मैं बाल धोई हूँ, तो फिर अगले दिन मैं हेयर मास्क लगाती हूँ, ताकि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और बस हल्का शैम्पू देके धोती हूँ, क्योंकि बिना अगर हम शैम्पू नहीं देंगे ना, ऐसे ही धो लेंगे, तो फिर वो रह जाता है बीच बीच में, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं, मैं रूट से टिप तक अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, फिर धो दूँगी। धोने के बाद ना बाल जो है बिना सीरम के, आपको लगेगा कि हम सीरम अप्लाई किए हैं, बहुत ही सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाते हैं।
आप घर में ट्राई कीजिएगा, ये DIY मास्क बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंजॉय कीजिए, और वो मेरा वीडियो ना आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को ना ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।